अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल चिल्ड्रन एजुकेशन पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि हर मुल्क का एक दारुल हुकूमत ज़रूर होता है, और वो उस मुल्क की नुमाइंदगी करता है कि आया वो मुल्क कितना खूबसूरत है। लेकिन आज हम दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम वीडियो की तरफ आ चुके हैं। दुनिया के 10 खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमतों में से 10वें नंबर पर आता है मैड्रिड। दोस्तों, ये एक स्पेन की रियासत है और इस रियासत को पूरी दुनिया में ताकत तरीन रियासत समझा जाता है। इस रियासत को अपने दिलकश मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में पुरकशिश रियासत समझा जाता है, और इसके महंगे तरीन होटल और खूबसूरत तरीन पार्क भी इसकी शोहरत का एक बहुत बड़ा सबब है। अब हम नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नंबर 9 के ऊपर आता है मॉस्को। मॉस्को रशिया की सबसे बड़ी रियासत समझी जाती है, जिसकी आबादी तकरीबन 12,02,00,000 है, और ये एक बेहद खूबसूरत रियासत है। दोस्तों, ये रियासत अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया के 9वें नंबर पर आती है। दोस्तों, अब हम नंबर 8 की तरफ चलते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास आता है स्टॉकहोम। दोस्तों, स्टॉकहोम स्वीडन का दारुलहुकूमत शहर है, और ये शहर दुनिया के 10 साफ तरीन ममालिक में से एक समझा जाता है, और नॉर्डिक ममालिक में बहुत से दूसरे शहरों की तरह स्टॉकहोम को रहने के लिए बेहतरीन शहर समझा जाता है। दोस्तों, स्टॉकहोम उन लोगों के लिए बेहतरीन शहर है जो बड़े बड़े आलूदगी से निकलने की तलाश में लगे हुए हैं। अब हम अपने नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर हमारे पास आता है बर्न। दोस्तों, बर्न स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत है। कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड का कोई भी शहर दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से ताल्लुक़ रखते हैं। बर्न भी स्विट्ज़रलैंड का दारुल हुकूमत है, और ये आला मियार की ज़िंदगी की वजह से रहने के लिए बेहतरीन शहरों में से एक समझा जाता है। बर्न बिल्कुल हैरत अंगेज़ है, और ये एक जादुई एहसास मुहैया करता है जो दुनिया के दूसरे दारुल हुकूमत के बरक्स है। ये शहर गैर मामूली ज़मीन पर बनाया गया है, जिसका मानी ये है कि आप शहर के आला इलाकों में रहते हैं तो अब शहर का एक अजीम नुक्ता नज़र हासिल करेंगे। अब हम अपने फहरिस्त में नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास नंबर 5 पर आता है वियना। दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है, जो दुनिया के 10 बेहतरीन डॉक्टरों के साथ दुनिया के पहले नंबर पर है। दोस्तों, वियना को द सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है, यानी ख्वाबों का शहर। दोस्तों, वियना एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, यानी हम इस मुल्क में अपने तमाम ख्वाब पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, वियना का दुनिया के बेहतरीन रिहायशी इलाकों में शुमार होता है। वियना अपनी फन तमीर के हवाले से भी दुनिया का मशहूर तरीन इलाका है। दोस्तों, वियना में पुराने फन तमीरात अच्छी तरह से महफूज हैं, और गलियों को भी अच्छी तरह सजाया गया है, और ये भी इसके मशहूर होने का एक बहुत बड़ा सबब है। दोस्तों, अब हम अपनी फहरिस्त में नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर हमारे पास आता है बर्लिन। दोस्तों, बर्लिन 3.5 लाख अफराद की आबादी पर मुश्तमिल इलाका है, जो इसकी तहकीक के सहूलियात, कन्वेंशन के मुकामात, सर्विस सेक्टर, तख्लीकी संतों की वसी हद तक बेहतर है। दोस्तों, आलमी सतह पर इसी वजह से बर्लिन 5वें नंबर पर है। बर्लिन जर्मन रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता है, जो यूरोपीय यूनियन में 7वें सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर के साथ ताल्लुक़ रखता है। अब हम अपनी फहरिस्त में नंबर 4 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर हमारे पास आता है रोम। रोम इटली का दारुल हुकूमत है, और ये शहर दुनिया में सबसे ज़्यादा सियाहत करने वाले शहरों में से एक है। ये शहर कई तारीखी जगहों और अजायब घरों का घर है, और इसमें पुराने और जदीद दोनों फन तमीर बहुत ही शानदार हैं। दोस्तों, रोम एक बहुत ही खूबसूरत तरीन रियासत है। दोस्तों, रोम के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं, और बहुत ही खुश इखलाकी के मालिक हैं। अब हम अपनी फहरिस्त में नंबर 3 की तरफ चलते हैं। गाइस, नंबर 3 पर हमारे पास आता है पेरिस। पेरिस फ्रांस का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है, जो अपने एफिल टावर की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। दोस्तों, 1889 में पेरिस इंटरनेशनल नुमाइश के लिए डिज़ाइन किया गया था, और दुनिया की कदीम तरीन यादगार कहा जाता था। ये एक खुशहाल तजारती मरकज़ और मगरबी दुनिया में सबसे बड़ा शहर था, लेकिन बाद में फैशन, तजारत, साइंस, फन और फिनांस के से अहम मरकज़ के तौर पर बाहर आए, जिसकी वजह से इसे दुनिया पर तीसरा दर्जा देना पड़ा। अब हम अपनी फहरिस्त में नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारे पास नंबर 2 पर जो शहर आता है, आप उसके बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वो शहर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। जी हाँ, दुनिया का दूसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन शहर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद ही है।
दोस्तों ये शहर इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन ये अपने खूबसूरत तरीन मुकामात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया भर से लोग इसमें सियाहत को आते हैं। इसके मशहूर तरीन इलाके पाकिस्तान मोनामेंट, लेक व्यू, फैसल मस्जिद वगैरह हैं। दोस्तों ये शहर 45 लाख की आबादी के साथ पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। अब हम अपनी फहरिस्त में नंबर एक की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारे पास नंबर एक पर आता है पैरागुए। दोस्तों पैरागुए दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन दारुलकूमत है। दोस्तों पैरागुए जैक रिपब्लिक का दारुलकूमत। ये शहर दुनिया के सबसे ज़्यादा मकबूल सियाहती मुकामात में से एक है। लाखों लोग हर साल दौरा करते हैं इस शहर का। पैरागुए का दौरा करने का सबसे बड़ा सबब शहर की फन तमीर है। दोस्तों पूरी दुनिया इस शहर के फन तमीर की दीवानी है। दोस्तों ये हमारी वीडियो ख़त्म हुई और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। शुक्रिया।